सॉरी दोस्तों, कुछ दिन से वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाया क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। अभी भी थोड़ा हुई खांसी चल रहा है, पता चल गया आपको। तो असली में बैठा हूँ आपके सामने ये बात बोलने के लिए कि मेरा कुछ दिन में नया सेटअप आने वाला है और मैं अभी तो मालदा में आ गया हूँ, आप सबको मालूम ही है। तो मेरा अभी ये जस्ट एक टेम्पोरारी सेटअप ही मान लीजिए, कुछ दिन तक मैं इसी रूम में वीडियो बनाऊंगा, दो एक महीने तक। आप लोग एक बार रूम को देख लीजिए, ये रूम जो बेड मेरा, ये बाथरूम है और मेरा इधर एडिटिंग का काम चलता रहता है। एडिटिंग तो मैं ज़्यादातर मोबाइल से करता हूँ लेकिन कभी कभार कंप्यूटर में भी कर लेता हूँ थोड़ा सा हेवी एडिटिंग के लिए। तो बताना ये था कि अभी जो मेरा सेटअप आ रहा है वो सेटअप फर्स्ट फ्लोर में होगा। उधर में हम लोगों का मतलब रूम, हर रूम कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी तक। सो अभी कुछ दिन हम लोग ग्राउंड फ्लोर में ही हैं और एक दो महीने में शिफ्ट कर जाएंगे ऊपर, तो तभी वहां में मेरा नया सेटअप बनेगा। और नया सेटअप बनने से क्या होगा कि मैं वहां बिल्कुल अपने वीडियोस एकदम बढ़िया से बनाऊंगा और मेरा नया सेटअप आ जाएगा बहुत ही जल्दी। ये भी है और समझ लीजिए, लेकिन ये इतना मतलब ठीक नहीं, क्या बोलूँ, समझ सकते हैं आप लोग। सो और यही, और नया सेटअप आने में तो और ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, अभी तक के लिए टेम्पोररी सेटअप में ही काम चला लीजिए। और इतना भी खराब नहीं है, काम तो चल जाएगा बहुत आराम से, काम चल जाता है, सब कुछ हाथों के नज़दीक में ही है। सो यही बताने के लिए आपको ये किया था। खांसी है, थोड़ा ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा। सो और एक बात है, कल मेरे चैनल पे व्लॉग आ रहा है, एडिटिंग का काम अभी चालू हो जाएगा। अभी थोड़े बाद में एडिटिंग में बैठ जाऊँगा, एडिटिंग करके कल दे दूँगा। फिर ऐसे करके मेरे चैनल पे वीडियोस अब से रेगुलर आता रहेगा, कोशिश करूँगा रेगुलर देने का, देखते हैं कितना सकते हैं। हर वक्त तो नहीं कर पाता, बाहर जाना पड़ता है, काम है बहुत, कभी कभी घूमने भी जाना पड़ता है। मेरे दोस्त लोग को भी मैं लेके आया हूँ, उन लोगों को भी घुमाना पड़ता है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।